कक्षा दसम के भैयाओं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनेट से कैसे हम कनेक्ट होंगे। इंटरनेट से जुड़ने के जितने भी तरीके हैं, अगर हम अपने लैपटॉप पर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उन सारे तरीकों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगला एक छोटा सा टॉपिक है यूजेज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के क्या उपयोग हैं, उसका क्या अनुप्रयोग है, जिसमें से पहला है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति है तो उससे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उससे हम मैसेज भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, या कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के जितने भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है उस हम साधन को उनके पास भेज सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है ऑनलाइन जर्नल्स एंड मैगजीन्स। जितने भी जर्नल्स हैं, यानी कि जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं या जितने भी मैगजीन छपती हैं, वो सारे न्यूज़पेपर अपने आप को इंटरनेट पर टर्न कर चुके हैं। वो सारे मैगजीन वाले भी अपने आप को मैगजीन को इंटरनेट पर टर्न कर चुके हैं। अगर हमें न्यूज़ पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि हमको दैनिक जागरण में छपी हुई समाचारों को पढ़ना है या कोई मैगजीन पढ़ना है जैसे कि इंडिया टुडे पढ़ना है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम जर्नल्स का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि न्यूज़ पढ़ सकते हैं या मैगजीन भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हुआ, सत्य कथा हुआ, चंपक हुआ, ये सारे मैगजीन आजकल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं, हम उन मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं। अगला है ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल शॉपिंग का ट्रेंड बदल गया है, हम अपने घर बैठे किसी भी बड़े मॉल से या किसी भी ऑथराइज्ड स्टोर से या हम सीधे कंपनी से शॉपिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जैसे दो लोग आपस में आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, दो लोग आपस में मिलकर बातचीत कर सकते हैं या कई लोग समूह में मिल करके भी बातचीत कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी इंटरनेट का अनुप्रयोग है, जिसमें से आजकल ऑनलाइन क्लासेज चल रहा है तो वह ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही चल रहा है। अगला है एक्सचेंज ऑफ आइडिया ऑन सेम टॉपिक और इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट कोई कॉमन इंटरेस्ट है जिस पर बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है या हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, तो हम अपने टॉपिक को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर हम चैट कर सकते हैं, या हम न्यूज़ ग्रुप में जा कर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हो रहे डिस्कशन को सुन सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारी कमर्शियल साइट्स ऐसी हैं जो कि न्यूज़ ग्रुप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उसका एक शेड्यूल होता है, जैसे कि आज शाम को 6 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किसी न्यूज़ ग्रुप में लॉगिन करने वाले हैं, अगर वो हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है या टॉपिक है तो हम उस न्यूज़ ग्रुप में लॉगिन कर जाएंगे। अगर हम परमानेंट लॉगिन करना चाहते हैं या जब जब ग्रुप हो, न्यूज़ ग्रुप ऑर्गेनाइज हो तब तब लॉगिन करना चाहते हैं, तब तो हम परमानेंट अपना अकाउंट बना लेंगे, लेकिन अगर हम केवल आज के लिए या कभी कभार जाते हैं तो हम एज ए एनानिमस यूजर उस न्यूज़ ग्रुप में चले जाएंगे और हमारे इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट चल रहा होगा उसमें हो रही डिस्कशन को सुन करके लाभ उठा सकते हैं या उसमें हम अपने आइडियाज अपने व्यूज भी पोस्ट कर सकते हैं। अगला है इंडिविजुअल्स। हम इंटरनेट के माध्यम से किसी इंडिविजुअल पर्सन से कम्युनिकेट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या अगर हमारा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन भी हम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। साइंटिस्ट एंड स्कॉलर, जैसा इंटरनेट के विकास में हमने बताया था कि अमेरिका के जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स थे और प्रोफेसर थे, उन्होंने एक अपना नेटवर्क बना करके अपने
रिसर्च से संबंधित इंफॉर्मेशन को शेयर किया करते थे। उसी तरह से अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है तो वो अपने रिसर्च से संबंधित कंटेंट अपने कुलीग्स के साथ शेयर कर सकता है या अपने प्रोफेसर के साथ शेयर कर सकता है। अगला है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। हम इंटरनेट के माध्यम से इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो गेम खेल सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट अगर बॉलीवुड ऑडियो सॉन्ग में है तो उस सॉन्ग को भी सुन सकते हैं, हम इंटरनेट पर कोई मूवीज देख सकते हैं। ये छोटा सा था यूजेज ऑफ इंटरनेट। अगला चैप्टर पूरी तरह से इसी पर आधारित है। अगला चैप्टर है इंटरनेट सर्विसेज, जहां हम सारे इन जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा था कि यूजेज ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, तो वो हमने यहां पर डिस्कस किया। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उस वेबसाइट के एड्रेस में तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है www, जिसको कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट होता है जैसे कि गूगल, गूगल डोमेन नेम है। और तीसरा पार्ट होता है .com, जिसे हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। www पढ़ने जा रहे हैं, बीच वाला पार्ट डोमेन होता है और तीसरा पार्ट टॉप लेवल डोमेन होता है। इन तीनों पार्ट को डॉट से सेपरेट किया गया रहता है। टॉप लेवल डोमेन आप देखेंगे अलग अलग आता है, कभी काम आता है, कभी गॉव आता है, कभी इन आता है, कभी ORG आता है, कभी GOV आता है, कभी MIL आता है, कभी EDU आता है। यह टॉप लेवल डोमेन कंपनी के ऑब्जेक्टिव यानी कि मोटो के बारे में बताता है। .com का मतलब होता है कमर्शियल वेबसाइट। जिन वेबसाइट के लास्ट में .com लगा होगा वह कमर्शियल वेबसाइट होती हैं और उनका ऑब्जेक्टिव इंटरनेट पर बिजनेस करना है, इंटरनेट के माध्यम से अर्निंग करना है। बीच वाला पार्ट है डोमेन, जिसको हम बोलते हैं, यह डोमेन नेम होता है, यह उस कंप्यूटर का नाम होता है जो उस कंपनी का सर्वर होता है। जैसे मान लीजिए कि गूगल का सर्वर, सपोज कर लीजिए कि गूगल का सर्वर अमेरिका में लोकेटेड है, तो जो उसका मेन कंप्यूटर होगा, मेन CPU होगा, उसने अपने कंप्यूटर का नाम दिया होगा। जैसे आपके पास भी लैपटॉप है तो आपके कंप्यूटर का एक नाम होता है, उसी तरह से उसके भी कंप्यूटर यानी कि उसके CPU का भी एक नाम होगा और वह नाम गूगल होगा। अगर वह वेब सर्वर है तो वेब सर्वर वाले कंप्यूटर के नाम को हम डोमेन बोलते हैं। और www, जिसका फुल फॉर्म तो आप सभी तुरंत बता देंगे लेकिन क्या होता है या पूछा जाए तो शायद ना बता पाएँ। www को ध्यान से देखिए, अगर हम पहले w के अंत को दूसरे w के शुरू में मिला दें और दूसरे w के शुरू को तीसरे w दूसरे w के अंत को तीसरे w के शुरू से मिला दें तो आप देखेंगे कि एक स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गूगल का सर्वर अमेरिका में लोकेटेड है, अगर अमेरिका के लोग अगर यह तय कर लें कि हम इसी समय गूगल के सर्वर को एक्सेस करेंगे तो गूगल का सर्वर, जैसे मान लीजिए कि याहू का सर्वर अमेरिका में लोकेटेड है, अगर अमेरिका के लोग एक साथ याहू के सर्विस को एक्सेस करना शुरू कर दें यानी कि उसके वेबसाइट को एक्सेस करना शुरू कर दें तो अमेरिका से आने वाले सारे इनकमिंग कनेक्शन भी वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि पूरे विश्व के लोग एक समय पर तय कर लें कि हम इस सर्वर को एक्सेस करेंगे या इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वह सर्वर पूरी दुनिया से आने वाले इनकमिंग कनेक्शन को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता है। इसके लिए याहू क्या करेगा कि जितने भी देश हैं उसमें एक अपना मिड लेवल सर्वर लगा देगा। मेन सर्वर अमेरिका में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के लोग एक साथ उस सर्वर को एक्सेस करेंगे तो वह सारे इनकमिंग कनेक्शन एक साथ नहीं हैंडल कर सकता, तो एक मिड लेवल सर्वर लग जाएगा इंडिया में, जो इंडिया में आने वाले सारे इनकमिंग कनेक्शन को हैंडल करेगा और मेन सर्वर से जोड़ देगा। अगर इंडिया के लोग भी तय कर लें कि हम अभी yahoo.com को एक्सेस करेंगे
तो वह मिड लेवल सर्वर भी कंपेटेबल नहीं है कि सारे इनकमिंग कनेक्शन को एक साथ हैंडल कर ले, वो सर्वर हैंग हो जाएगा। तो याहू क्या करेगा कि भारत को, पूरे इंडिया को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर देगा। जैसे हम लोग CBSE के स्टूडेंट हैं और हम लोग इलाहाबाद रीजन में आते हैं, इलाहाबाद हमारे लिए नज़दीक है तो हम समझते हैं कि शायद एक ही स्टेट होगा, लेकिन इलाहाबाद रीजन में कुल 6 स्टेट हैं। इलाहाबाद रीजन में मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उत्तरांचल आता है, बिहार आता है और झारखंड आता है। ये 6 स्टेट मिल करके एक रीजन बना हुआ है CBSE का। उसी तरह से याहू क्या करेगा कि एक रीजन तय कर लेगा, उस रीजन से आने वाले सारे इनकमिंग कनेक्शन को हैंडल करके इंडिया के मेन सर्वर से जुड़ेगा। इंडिया का मेन सर्वर अमेरिका के मेन सर्वर से जुड़ेगा। हमारा कंप्यूटर है जिस पर हम याहू को एक्सेस करेंगे, तो हमारा इनकमिंग कनेक्शन हमारे रीजन के रीजनल सर्वर पे जाएगा और फिर हमारे रीजनल सर्वर से हमारे इंडिया का जो मेन सर्वर है उसे कनेक्ट होगा और फिर मेन सर्वर से जाके जुड़ेगा। WWW का मतलब होता है गो टू द मेन कंप्यूटर बाई पासिंग द मिड लेवल सर्वर्स। बीच के जितने भी सर्वर्स हैं उसको पास होते हुए मेन सर्वर तक जाओ, इसलिए हम वो स्कीम लगाते हैं WWW। WWW का मतलब ये है कि यह सर्वर जहाँ पर भी लोकेटेड है और बीच में जितने मिड लेवल सर्वर्स हैं उनको पास करते हुए मेन सर्वर तक जाओ। WWW एक स्कीम है जो मोस्ट प्रोमाइजिंग स्कीम है वर्ल्ड का। दुनिया के जितने भी नेट यूजर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि हम WWW स्कीम का यूज़ करें। इस तरह की स्कीम में हम मल्टीमीडिया के कंपोनेंट देख सकते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर पर किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर एक पेज डाउनलोड होता है और उस पेज पर अगर हम मल्टीमीडिया के कंपोनेंट को देखना चाहते हैं तो हमें WWW स्कीम का यूज़ करना होगा। अगला टॉपिक है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। जैसे मान लीजिए कि हम अपने कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं या मान लीजिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई लेटर टाइप करते हैं, तो वह टेक्स्ट हमारे कंप्यूटर में टाइप हुआ है, वह टेक्स्ट हमारे लिए लोकल है तो उस टेक्स्ट को हम केवल टेक्स्ट बोलते हैं, लेकिन वही लिखा हुआ टेक्स्ट इंटरनेट की वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा तो उसका नाम बदल जाएगा और उसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। यानी कि इंटरनेट की वेबसाइट पर डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं और हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो टेक्स्ट टाइप होगा उसे हम केवल टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट हमारे कंप्यूटर का टेक्स्ट है और हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट के पेज पर डिस्प्ले होने वाला टेक्स्ट है। उसी तरह से हाइपर मीडिया, अगर हमारे कंप्यूटर पर कोई मीडिया है, मीडिया यानी कि कंप्यूटर द्वारा हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरीके का उपयोग करते हैं। हम लिख करके किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, हम ग्राफिक्स के फॉर्म में किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, हम ऑडियो क्लिप के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं, हम वीडियो क्लिप के बारे में फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं, हम एनिमेशन के फॉर्म से इंफॉर्मेशन देते हैं, या हम कह लीजिए कि मल्टीमीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में है उसे हम मीडिया बोलते हैं और इन्हीं को कंबाइंड कर लिया जाता है तो वह मल्टीमीडिया कहलाता है। कक्षा सप्तम में आप लोगों ने पढ़ा है कि मल्टीमीडिया इज कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड ऑडियो एनिमेशन एटसेट्रा। हमारे कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से कोई एक है तो वह मीडिया कहलाएगा, लेकिन यही मीडिया अगर इंटरनेट पर डिस्प्ले होता है तो उसे हम हाइपर मीडिया कहते हैं।